मतदान हो रहा, शांतिपूर्ण मतदान हो रहा, सभी को मतदान करना चाहिए। क्या उम्मीद कर रहे सर मतदान? जो अभी तक हमें पूरा विश्वास है कि भानु प्रताप को उसकी जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देगी। सर ये कह रहे हैं कि मैं यही हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। अब खुद ही चाह रहे हैं तो उनको पुलिस के पास चल देना चाहिए, उसमें क्या है, उनको पुलिस है ना, आपने सरेंडर करना चाहिए उसको, जब नोटिस दे दिए तो जाना चाहिए उसको। ये आरक्षण को लेकर आज हो सकता है राज्यपाल हस्ताक्षर करते हैं? हाँ, ऐसी तो सुनने में आया कि आप ही लोग बताएं कि सोमवार को करेंगे। सर आरक्षण को ही लेकर ये है कि बिलासपुर में जो सामान्य वर्ग के जो युवा है उन्होंने कैंडल मार्च निकाल कर प्रदर्शन किया है और उन्होंने बोला कि कोर्ट का जो फैसला था 50% वो रहना चाहिए। उनका ये कहना कि अगर कोर्ट ने ये भी कहा है, उसको पढ़ना चाहिए कि विशेष परिस्थिति जहाँ की स्थिति हो तो वहाँ राज्य सरकारें बढ़ा सकती है, एक तरफा बात नहीं होना चाहिए। 50% ठीक है, वो तो सामान्य स्थिति है, लेकिन जहाँ असामान्य स्थिति है, अब यहाँ 44% जंगल है और यहाँ की भौगोलिक सामाजिक परिस्थिति अलग है और इस कारण से इसको बढ़ाया गया है, तो और उसमें EWS को भी मौका है, उसको भी दिया गया है। सर कांग्रेस का अधिवेशन छत्तीसगढ़ में होने वाला है और 2023 में छत्तीसगढ़ समेत जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ भी चुनाव होने वाले हैं, तो कांग्रेस का अधिवेशन से कितना लाभ मिलेगा पड़ोसी राज्यों के लिए? देखिए ये तो जब राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है कांग्रेस का तो पूरे देश और दुनिया की निगाह होती है, क्योंकि देश के अंदर इस 3 दिन के अधिवेशन में जहाँ राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, आर्थिक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, सामाजिक प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, वहीं विदेश नीति की भी चर्चा होती है, तो इस राष्ट्रीय अधिवेशन में सभी प्रकार की बातें होगी, तो न केवल प्रदेश को फायदा होना है, पड़ोसी राज्यों को फायदा होना है, बल्कि देश के लिए भी राजनीतिक एक दिशा तय होती है। ठीक है, थैंक यू। भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप लाइव सुन रहे थे जहाँ पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। भानुप्रतापपुर उपचुनाव को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, आरक्षण को लेकर भी उन्होंने कहा और साथ ही साथ वो पत्रकारों के बीच मौजूद हैं जहाँ लोगों के सवालों के जवाब दे रहे थे तमाम। वहीं ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी के मसले पर उन्होंने कहा कि उनको तो खुद ही जाकर सरेंडर कर देना चाहिए।